प्रिय साथियों, सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। श्री राम कोचिंग ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, श्री राम कोचिंग के द्वारा आप तक एक नियमित क्लास की श्रृंखला पहुंचे जा रही है। उसमें यह रहेगा कि इतिहास के द्वारा आपका जो कोर्स है कितना जल्दी कवर हो सकता है। मुख्य मुख्य बिंदुओं को हम हाईलाइट करते हुए जा रहे हैं। दोस्तों, ये कॉन्स्टेबल के परिप्रेक्ष्य में रखा गया है कि एक कॉन्स्टेबल की जो परीक्षा निर्धारित है उसको ध्यान में रखते हुए हमने 6, 7, 8 नवंबर के दृष्टिकोण के आधार पर क्रैश कोर्स के रूप में इस विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। मूलभूत जो बातें आपसे पूछ सकते हैं उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पूर्व क्लास में हम चर्चा कर चुके थे मौर्य काल की। मौर्य काल में जो प्रमुख संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य का बचपन और उसका शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, चाणक्य के दिशा निर्देशन में उसका कैसा विकास हुआ वो आपने देखा। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम अध्ययन करने जा रहे हैं कि जो मौर्य काल है उस मौर्य काल का जो प्रथम शासक है चंद्रगुप्त मौर्य, उस चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा क्या क्या उपलब्धियां हासिल की गई थी और क्या उसके द्वारा कार्य किए गए थे और अंतिम समय उसका कैसे बीता वो चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। दोस्तों, तो साथियों, पूर्व की क्लास में बता चुका था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है यहाँ का भारत का जो शासक है वो कब बना था। ये शासक बना था दोस्तों 322 ईसा पूर्व में, और ये जिसकी सहायता से बना था उसका नाम क्या था, चाणक्य था। अब बात आती है कि ये जब शासक बना था तब एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था 305 ईसा पूर्व में, उसका नाम क्या, उससे युद्धकर्ता का नाम था सेल्यूकस। सेल्यूकस का आक्रमण हुआ था, उसका कारण आपको बताया गया था, चार प्रांत थे। लेकिन बाद में इनके साथ क्या हो जाती है, संधि हो जाती है, और संधि के साथ जो शर्तें होती है उन शर्तों को आपको बताया गया था। इसी दौरान जो है भारत में एक जो है हेलना का विवाह हुआ, और भारत में एक विद्वान आया जिसका नाम था मेगस्थनीज। अब बात आती है कि इसके बाद जब हेलना और मेगस्थनीज आते हैं तो इसके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो कौन सी थी, इंडिका लिखी गई थी। अब आप बात कर रहे थे कि इसके समय चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के समय जो है स्वयं से पड़ा एक अकाल का वर्णन आता है, और अकाल जो है वो कब पड़ा था, 300 ईसा पूर्व में पड़ा था। और वो अकाल के जो प्रभाव या जो हमें प्रमाण मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, वो मैंने दो दो बताए थे दोस्तों, कि एक पूर्वी भारत और एक पश्चिमी भारत। पश्चिमी भारत में या गुजरात में एक विश्व प्रसिद्ध झील बनी थी जिसका नाम था सुदर्शन झील, और इसी प्रकार जो है इधर बिहार और उड़ीसा में जो प्रांत है, इस प्रांत में जो दो अभिलेख मिले थे उन अभिलेखों में भी अकाल का उल्लेख मिलता है। तो भारत के प्रथम दो पुराने अभिलेख जो है वो इसे बंगाल और उड़ीसा से हैं, जो कि यहाँ से हमें अकाल की जानकारी देते हैं। अब इसके बाद जो आता है वो महत्वपूर्ण चर्चा है, क्या, कि चंद्रगुप्त मौर्य जब शासक था, ये जब शासक होने के दौरान इसके समय एक धार्मिक उथल-पुथल भी हुई थी, और वो धार्मिक उथल-पुथल की जो चर्चा आती है वो क्या थी दोस्तों, प्रथम जैन संगीति। मैंने आपको पहले भी जैन धर्म के बारे में बताया था, प्रथम जैन संगीति का जो है आयोजनकर्ता कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। अब इसका मतलब ये है कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन किस प्रकार से हुआ और क्या घटना घटी है वो आपको बताने जा रहा हूँ। इस समय जो है महावीर स्वामी के द्वारा जो उपदेश और जो धार्मिक परंपरा विकसित की गई थी उसका प्रबल समर्थक था चंद्रगुप्त मौर्य, और आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य भी बना, और ये पहले ब्राह्मण सनातन धर्म से प्रभावित था लेकिन अंतिम समय में ये जैन धर्म से प्रभावित हो गया। अब इसके प्रमाण क्या मिलते हैं, इसने जैन संगति कब आयोजित की, इसने जैन संगति आयोजित कराई थी उसका समय है दोस्तों 300 ईसा पूर्व में, जब इसने जो आयोजित करवाई थी वो किस स्थान पे करवाई थी, उस स्थान का नाम है अपनी राजधानी पाटलिपुत्र, और मेगस्थनीज की इंडिका में इसे पोलिब्रथा कहते हैं। इसे पोलिब्रथा या पाटलिपुत्र जो आधुनिक पटना के आसपास का क्षेत्र है, इस स्थान पर इसने जैन संगति का आयोजन किया। इसका अध्यक्ष जो है वो किसे बनाया गया था, इसका अध्यक्ष बनाया गया था स्थूल भद्र को, और स्थूल भद्र को अध्यक्ष बनाया गया था तो उपाध्यक्ष किसे बनाया गया, तो उपाध्यक्ष बनाया गया दोस्तों भद्र बाहु को। अब भद्र बाहु को बनाया गया, इस समय जो है महत्वपूर्ण घटना विशेष क्या हुआ, तो विशेष जो घटना घटती है वो ये हुआ जैन धर्म का विभाजन।
जैन धर्म का विभाजन हो जाता है। तो उसको पहली बार में ही पहली संगति है और उसमें विभाजन हो गया। तो ये जो विभाजन होता है किस कारण होता है, क्यों होता है, इसकी थोड़ी सी चर्चा मैं बताता हूँ कि इस धर्म का विभाजन होता है तो दो भागों में होता है। एक आता है कौन सा, स्थूल भद्र जो अध्यक्ष हैं उनके विचारधारा, और एक जो है भद्रबाहु जिसकी विचारधारा। इन दोनों को लेकर, विचारधाराओं में जो मतभेद था उसको लेकर ये विभाजन हुआ। स्थूल भद्र के नेतृत्व में जो जैन धर्म बना वो कहलाया दोस्तों श्वेतांबर, और जो भद्रबाहु के नेतृत्व में मिले वो कहलाए दोस्तों दिगंबर। अब श्वेतांबर और दिगंबर ये दो भागों में जैन धर्म का क्या हो जाता है, विभाजन होता है। अब इसमें स्थूल भद्र जो, अब ये क्या नाम, श्वेतांबर और दिगंबर किस क्षेत्र में ज्यादा प्रचारित हुए हैं, तो यहाँ पर मैं बताता हूँ कि भारत के उत्तरी क्षेत्र जो उत्तर भारत का जो प्रदेश है जिसे हम ये कह सकते हैं, ये वाले प्रदेश में जो है वो कौन सा जो पनपा था, श्वेतांबर। और दक्षिण भारत में जो कर्नाटक और इस क्षेत्र में जो है वो कौन सा बना था, वो था दिगंबर। अब श्वेतांबर, दिगंबर, स्थूल भद्र और ये दिगंबर जो भद्रबाहु के नेतृत्व में थे वो दक्षिण भारत में ज्यादा प्रभावशाली हुए नहीं थे। अब यहाँ पर बात आती है कि 300 ईसा पूर्व में जब संगति हुई थी, इससे पूर्व कई वर्षों का अकाल बताया गया है जिसका उल्लेख मैंने पिछली बार अभी किया ही है। अब जब अकाल पड़ा था तो ये जैन लोग अपने जो सनातन या जो अपने नियम सिद्धांत चले आ रहे थे उन पर टिके रहना या उन पर चलना थोड़ा कठिन लगने लगा। परिस्थिति के अनुसार अपने नियमों में जो है शिथिलता या उनमें जो है परिवर्तन लाना आवश्यक होता है, लेकिन कुछ लोग जो है शिथिलता लाने के लिए तैयार हो गए लेकिन कुछ लोग तैयार नहीं हुए। और जब वापस जैसे इस प्रकार से जब कि परिस्थिति के अनुसार हमें कुछ नियमों में संशोधन करना आवश्यक था, तो इसके पक्षधर थे स्थूलभद्र, जिनके कारण ये था कि उन्होंने जो है महिलाओं को भी संघ में प्रवेश देना शुरू कर दिया था, अपने नियमों में शिथिलता ला दी, गृहस्थों को भी जो है इसमें प्रवेश का अधिकार दिया गया। इस प्रकार की जो मान्यता लेकर स्थूलभद्र जो थे उनकी विचारधारा चल रही थी। अकाल के दौरान जो है भद्रबाहु के नेतृत्व में जो लोग अपने अनुकूल स्थितियों में चले गए थे दक्षिण भारत की ओर प्रचार प्रसार के लिए, जब ये वापस लौटे अकाल के पश्चात तो इनमें जो है स्थूलभद्र की दिशा निर्देशों में जो है बहुत परिवर्तन हो गया। इस परिवर्तन के कारण जो है संगीति का आयोजन कराया गया और इसका नेतृत्व जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, और उस दौरान ये हुआ कि इनमें एका नहीं हो सका। अब नहीं हुआ तो इसमें क्या हुआ, विभाजन, और स्थूल भद्र जो है उनको लेकर अपने संघ को लेकर पुनः किसे दक्षिण भारत की ओर लौट गए। अब लेकिन दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट है क्या, कि जब ये भद्रबाहु दक्षिण भारत की ओर लौटा तब इसने जो है अपने प्रभाव में चंद्र जो है इसको भी ला दिया था, किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को भी। अब ये जो भद्रबाहु है, ये भद्रबाहु किस धर्म का या किस पक्ष का प्रबल पक्षधर था, ये था दोस्तों दिगंबर। इस समय जो है चंद्रगुप्त मौर्य को भी अपने प्रभाव में लाकर उसे दीक्षित करके वो इसे दक्षिण भारत की ओर ले आया। चंद्रगुप्त मौर्य को दक्षिण भारत की ओर लाया, और यहाँ पर जो है कर्नाटक जो है उस कर्नाटक में एक पहाड़ी है जिसका नाम है श्रमण बेल गोला। श्रमण बेल गोला नामक पहाड़ियों पर इनका संघ आश्रम विहार बने हुए थे, उन आश्रमों में निवास और तपस्या करने लगे। और साथ में जब चंद्रगुप्त मौर्य भी यहाँ पर आया था तो चंद्रगुप्त मौर्य को उस अपने आत्म परिष्कार के लिए इन्होंने जो साधना बताई थी उस दौरान उसे एक विधा बताई गई, संलेखना। संलेखना का अर्थ इस धर्म धर्म में यह है कि अन्न और जल का त्याग करके अपने शरीर को कष्ट देते हुए अपने कर्म बंधनों से मुक्ति पाना। इस तरह के जो है साधना पद्धति के माध्यम से, इस संलेखना पद्धति के माध्यम से चंद्रगुप्त को दीक्षित किया गया या इसे प्रभावशाली बनाया गया। और इसी चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है इस संलेखना विधि के द्वारा जो है 297 ईसा पूर्व में अपने शरीर को त्याग दिया। यहाँ पर प्रश्न बनते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई, दक्षिण भारत में। कहाँ हुई, श्रवण बेलगोला में। किस पद्धति के द्वारा हुई, संलेखना विधि के द्वारा। कब हुई, 297 ईसा पूर्व में। अब ये जो शरीर से अपने स्वेच्छा से इसको त्याग किया गया।
अब इस पद्धति के आधार पर जो है ये जो इन्हें जैन धर्म में जो है तपस्या पद्धति बताई गई है, लेकिन एक राजा के द्वारा इस तरह से जो है शरीर छोड़ देना अब उत्तरी भारत में लोगों के लिए एक अनुकरण का विषय बन गया। हालांकि जो जैन धर्म से दीक्षित होकर अपने जो है मतों पर या अपनी साधना पद्धति पर आगे बढ़ते गए, लेकिन हम यहाँ पर अभी राजनीतिक परिवर्तन ही देखना चाहते हैं कि राजनीतिक परिवर्तन क्या हुआ। तो इस प्रकार हमने घटना देखी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो यहाँ पर धार्मिक और प्रशासनिक और राजनीतिक स्थिति क्या बनी थी। इसी के घटनाक्रम में आपको सेल्यूकस का युद्ध, सुदर्शन झील और अकाल का उल्लेख करने वाले जो अभिलेख हैं उनके बारे में और इनके जो धार्मिक जो है इस जैन धर्म की संगति का आपको ध्यान में रखना है। अब मैं थोड़ी सी चर्चा करने जा रहा हूँ इस चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जो इसको पूर्णतः परिष्कृत करने वाला शरीर जो है माता पिता के द्वारा मिलता है, लेकिन उस शरीर को जो है शिक्षित दीक्षित करके अनुकूल और उसको देवतुल्य बनाने वाला जो होता है वो गुरु होता है। अब वो कौन था इसका गुरु जिसने कि इसको ढाला बनाया और इस तरह का भारत का प्रथम सम्राट तक बना दिया। गुरु में वो ताकत होती है दोस्तों कि वो धूल से जो है हीरा भी बना देता है। और वो कौन था? चंद्रगुप्त चाणक्य। और चंद्रगुप्त को गढ़ने वाला जो है चाणक्य, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, उनके बारे में जो प्रश्न बनते हैं उसके बारे में बता। अब मैं इसके साथ चर्चा करने जा रहा हूँ चाणक्य। चाणक्य के दो उपनाम और हैं जो है, एक तो है कौटिल्य और एक होता है विष्णुगुप्त। अब इसका जो पद था, पहले वाली घटना मैंने बता चुका था कि ये घनानंद के दरबार में भी था और प्रताड़ित करने के पश्चात जो है इसने समूल नाश करने का संकल्प लिया था। अब जो है इसका पद जो आता है इसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय ये था प्रधानमंत्री, या जो मुख्य पद पर जो मंत्री का जो मुख्य पद होता था उसके पद पर नियुक्त किया गया था। इसने जो दरबार में रहकर, क्योंकि उसने जो लक्ष्य था कि नंदवंश का समूल नाश करके अपने योग्य उत्तराधिकारी को नियुक्त कर दिया, लेकिन आगे चलकर ये भारतवर्ष जो है संगठित बना रहे या ये जो है अपने अनुकूल परिस्थितियों में चलता रहे, किसी प्रकार का विध्वंस न हो, इसके लिए उन्होंने प्रशासनिक राजनीतिक दृष्टि से एक पुस्तक लिखी, सिद्धांतों का जो है गठन किया, निर्माण किया, और उसके आधार पर जो पुस्तक लिखी गई थी वो उस पुस्तक का नाम है दोस्तों अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की जो रचना है वो चाणक्य के द्वारा की गई है दोस्तों। और जब ये चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की तो अब इस अर्थशास्त्र के बारे में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। इसका जो विषय है वो क्या है? तो इसका नाम, इस विषय है राजनीति और प्रशासन। किस भाषा में लिखी गई है? तो भाषा आपको याद रखनी है दोस्तों, यह संस्कृत भाषा में। इसी प्रकार इसमें जो श्लोक लिखे गए हैं वो कितने श्लोक लिखे गए हैं? तो इनके श्लोकों की संख्या है दोस्तों 6,000। अब बात आती है श्लोकों के पश्चात इसमें जो वर्णन आता है कि वो वर्णन क्या-क्या है। तो यहाँ पर वर्णन इंपॉर्टेंट आता है, तो एक तो भारतीय प्रशासनिक राजनीति का उल्लेख होता है और दूसरा जो आता है इसमें है राजनीति का, एक आता है सप्तांग सिद्धांत। राजनीति का सप्तांग सिद्धांत का मतलब है कि राज्य प्रशासन के लिए ये सप्तांग सिद्धांत आवश्यक हैं। कौन कौन सा? राजा, महल, सेना, धन, कोष, मित्र, ऐसे करके उन्हें सप्तांग जो 7 जो अंग हैं वो होना जरूरी है। ये किसने बताया है दोस्तों? ये चाणक्य ने बताया। तो इस प्रकार जो है इससे चाणक्य को एक इम्पोर्टेंट नाम दिया गया है, क्या? भारत का मैक्यावेली। ध्यान देना, भारत का मैक्यावेली किसे कहा जाता है? तो चाणक्य को, विष्णुगुप्त को, कौटिल्य। और जो अर्थशास्त्र के अंत में इसने जो अपना नाम दिया है वो नाम है दोस्तों विष्णुगुप्त। अब एक और बात कि ये चाणक्य का, सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य का भी प्रधानमंत्री रहा है और कुछ समय के लिए बिंदुसार का भी ये प्रधानमंत्री रहा है। अब जो अगला जो शासक आएगा जो इसे चाणक्य के बाद वो आता है दोस्तों कौन? बिंदुसार। चाणक्य के समय ही दूसरा जो शासक आता है वो कौन है? बिंदुसार। तो अगला जो मैं शासक की चर्चा करने जा रहा हूं दोस्तों, मौर्य काल का अगला उत्तराधिकारी जिसका नाम है कौन सा? बिंदुसार। देखते हैं दोस्तों कि बिंदुसार
अगला जो शासक, दूसरा जो शासक आता है, इस बिंदु सार के समय की क्या क्या घटना है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों पहले तो इसका समय अपन को याद रखना है। तो इसका समय जो है 297 ईसा पूर्व से लेकर ये आता है 272 ईसा पूर्व तक का इसका शासनकाल है। अब इसकी माँ का नाम क्या था? इसके पिता तो आपको पता ही है कि चंद्रगुप्त मौर्य है। माँ का नाम क्या है? दूरधरा। इसकी माँ का नाम बताया गया। आगे एक और बात है इंपॉर्टेंट कि ये विश्व में प्रथम जो है सिजेरियन, जो ऑपरेशन से जन्म लिया हुआ व्यक्ति बताया गया, प्रथम सिजेरियन व्यक्ति बताया गया हम कि इसका जो है जन्म है ऑपरेशन के द्वारा बताया गया है, सिजेरियन के द्वारा उत्पन्न बालक। अब इसकी जो है नाम क्या क्या मिलते हैं बिंदुसार के? तो इसके जो नाम है दोस्तों, पहले यूनानी भाषा में देखें तो इसे अब होते हैं अमित्र गात, इसे मद्रसार भी कहते हैं, इसे सिंहसेन भी कहते हैं। अमित्रगाद, मद्रसार या सिंहसेन, इस तरह के जो नाम आते हैं वो किसके आते हैं दोस्तों? बिंदुसार के। इस तरह की जो जो है अमित्रगात जो होते हैं जिसका कोई शत्रु नहीं है, अमित्रगात ये यूनानी शब्द है। बाकी जो पुराणों में और ये जो है इस क्या नाम जैन और बौद्ध धर्म में इनका उल्लेख आता है। आगे अब इस जब इसने ये किया था, शासक राज्याभिषेक हुआ था, तब उसका प्रधानमंत्री कौन था? इसका प्रधानमंत्री जो था वो था दोस्तों चाणक्य। अब चाणक्य के पश्चात जो है इसने अपने चहेते या इनकी मृत्यु के पश्चात दूसरे व्यक्ति को इन्होंने प्रधानमंत्री बना दिया। प्रारंभ में जो है इसका राज्यकाल शासनकाल बहुत अच्छा चला। उत्तराधिकार में जब इसको राज्याभिषेक हुआ था तो उत्तराधिकार में भारत में सबसे विशाल साम्राज्य इसे प्राप्त हुआ था। भारत में इसे सबसे विशाल साम्राज्य प्राप्त हुआ था और उस विशाल साम्राज्य को संभालने के लिए इसने अपने पुत्रों को राज्यपाल बनाकर नियुक्त किया था। और उसने पुत्रों को राज्यपाल नियुक्त किया था तो अपने उसमें सबसे बड़े पुत्र को कहाँ पर नियुक्त किया था? ये वाला जो पाकिस्तान और तक्षशिला वाला जो उत्तरापत्त वाला जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र का जो है वहां पर था सुशीन सबसे बड़ा, और जो छोटा जो था वो मध्य प्रांत जो था अवंती या उज्जैन, जो उज्जैन प्रांत है वहां का जो है राज्यपाल जो था वो था अशोक, बाल्यकाल था। और इस अशोक जो यहाँ का राज्यपाल होने के नाते, ये राज्यपाल है दोस्तों, राजस्व कर को लेकर यहाँ पर जो है तक्षशिला में क्या हो जाता है दोस्तों, एक बार नहीं दो बार विद्रोह होता है। तक्षशिला में जब विद्रोह होता है तो इसको सुसीम जो है इसको निपटने में जो है समय सक्षम नहीं होता, इसकी अयोग्यता सिद्ध है। तो यहाँ से जो है राज दरबार से जो है इस बिंदुसार या इनके मंत्रियों के द्वारा जो है अशोक को इसका दमन करने के लिए तक्षशिला भेजा गया। इस तक्षशिला जाकर इसने इनका दमन कर दिया और दमन कर जाने के पश्चात अब योग्यता जो सिद्ध हुई वो किसकी सिद्ध हुई? अशोक की। अशोक का जो है बचपन में ही या उत्तराधिकारी की योग्यता हासिल कर चुका था बिंदुसार के समय ही। बिंदुसार के समय जो है एक तो है प्रथम घटना तो क्या है, तक्षशिला का विद्रोह हो जाता है। आगे इसके जो समय की जो और भी घटना आती है जिसका उल्लेखनीय वर्णन है उसमें यह आता है कि इसका जो है विदेशों से जो बिंदुसार है, बिंदुसार का विदेशों से ज्यादा संपर्क रहा है। इसकी विदेश नीति काफी सशक्त थी, विदेशी लोगों को इसने बहुत अधिक मित्र बना रखा था। सीरिया इधर जो है मिश्र है, इधर का टोलमी था, इधर का जो एंटियोकस था। अब यह जो सीरिया का जो शासक था
उनके साथ जो है दूतों की नियुक्ति या उनका आवागमन जो है आना जाना होता रहता था। अब जब इनका आवागमन आना जाना होता रहता था तो एक घटना आती है कि इस बिंदुसार ने जो है सीरिया के शासक के राजदूत के साथ, जिसका नाम था एंटियोकस, एंटियोकस के साथ जो है चार वस्तुएं मंगाई। और वो चार वस्तुएं कौन कौन सी थी? सॉरी, तीन वस्तुएं। एक तो उन्होंने अंजीर मंगाए, एक सूखे अंजीर, और एक इसने मंगाई शराब, और एक तीसरे जो बने दार्शनिक। तीन वस्तु हैं, सॉरी, तीन वस्तु मंगाई, एक अंजीर, शराब और दार्शनिक, जो यहाँ की विश्वविख्यात वस्तुएं थी। अब उन वस्तुओं में से जो है एंटियोकस जो है अंजीर और शराब तो ले आया, लेकिन ये दार्शनिक जो है नहीं लाया। तो यहाँ के सीरिया के शासक के द्वारा जो है खेद व्यक्त करते हुए ये कहा गया कि विद्वान या दार्शनिक भेजना जो हमारी परंपरा के खिलाफ है, इसलिए इस दार्शनिक को या विद्वान को हम नहीं भेज पाए। जबकि बिंदुसार का यह उल्लेख था कि हम जो है विश्व की जो है ज्ञान संस्कृति विज्ञान से हम परिचित हों, उनका संकलन हो, उन धार्मिक विद्वानों से हमारा परिचय बढ़े। अब इसकी धार्मिक रुचि जागृत थी, इसका प्रमाण क्या है? तो दोस्तों कि ये बिंदुसार जो है अपने पिता के समान ही प्रारंभ में तो जो दोस्तों ये ब्राह्मण धर्म का समर्थक था, बाद में ये जैन धर्म के संपर्क में आया, लेकिन बाद में ये धार्मिक दृष्टि से जो है इसने आजीवक धर्म को ग्रहण किया। आजीवक जो है इसका प्रणेता कौन है? इसका नाम है मक्कली पुत्र गोशाल। अब है कि ये जो मक्कली पुत्र गोशाल है इसके द्वारा इस धर्म को चलाया गया था, आजीवक धर्म को। तो यह अंतिम समय में अगर देखा जाए तो बिंदुसार के द्वारा कौन सा धर्म ग्रहण किया गया है? तो आजीवक। अब इसका प्रमाण क्या मिलता है? तो प्रमाण की जानकारी यह है दोस्तों कि इन जो विद्वान है या आजीवक धर्म के जो लोग थे उन श्रमिकों या साधुओं के लिए इसने नागार्जुन की पहाड़ी पर जो है क्या बनाई थी? गुफाएं खुदवाई थी। आजीवक संप्रदाय के लिए गुफाएं जो निर्मित की थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो बिंदुसार के द्वारा। अब बिंदुसार के द्वारा ये गुफाएं की गई थी तो यहां पर पहली बात आती है इंपॉर्टेंट कि गुफा निर्माण की परंपरा किसके काल में शुरू हुई? तो बिंदुसार के। किसने शुरू करवाई? तो भी बिंदुसार आता है। ये जो अशोक जो आगे आएगा इसने उन शिलालेखों का उनका भरसक अपने जो है धर्म प्रचार के लिए प्रयोग में लाए थे, लेकिन जो है गुफा निर्माण क्योंकि अशोक के द्वारा भी उत्कीर्ण कराई गई जाएगी, दशरथ के द्वारा भी होगी, लेकिन भारत में सर्वप्रथम गुफा निर्माण की परंपरा किसके समय होती है? तो ये होती है दोस्तों बिंदुसार के समय, और इसने सर्वप्रथम गुफाएं निर्माण करवाई थी। शिलालेख की बात आती है, अभिलेख की बात आती है तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय, लेकिन विस्तार से जो है इन दोनों का प्रयोग किसने किया? तो आगे अशोक आएगा दोस्तों। इस प्रकार जो है इसका बिंदुसार का जो धर्म था वो आजीवक था अंतिम समय में। इसी प्रकार इस ये शरीर बताया जाता है कि इसका दुर्गुण था नशे या शराब का अधिक सेवन करने के कारण इसकी जो मृत्यु है दोस्तों वो कब हो जाती है? वो हो जाती है दोस्तों 272 ईसा पूर्व। अब इसकी मृत्यु हो जाने के पश्चात इसके जो पुत्र जो है वो कितने बताए गए? 100 पुत्र बताए गए। अब 100 पुत्र में सबसे बड़ा जो है वो कौन था? सुशीम। और चौथे नंबर का जो है छोटा जो है वो कौन है? अशोक। अब है इनके बीच में उत्तराधिकार को लेकर, वर्चस्व को लेकर युद्ध होता, लड़ाई होती है। अब उसमें जो उत्तराधिकार जो है किससे मिलेगा? अब उत्तराधिकार को लेकर जब युद्ध होता है तो उसमें बताए जाते हैं कि कुछ लोग जो है अशोक को बनाना चाहते थे जो उसकी योग्यता पहले से ही सिद्ध कर चुका था, और लेकिन कुछ कहते हैं कि नहीं, यह वंश परंपरा के अनुसार सुशीम ही बने जो उनके चाटुकार जो उनके अपने पक्ष के लोग थे। लेकिन अंत तो गतवा जो है 3-4 वर्षों का जो समय लगा
और अंत तो गतवा उत्तराधिकार जो है वो किसे सौंपा गया, अशोक को मिल गया। लेकिन अशोक ने अपने भाइयों से युद्ध किया, साहित्य में वर्णन आता है कि उसने सुसीम का वध करके सत्ता प्राप्त कर ली, या ये होता है अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके जो है सत्ता प्राप्त कर ली। ये जो साहित्यिक उल्लेख का जो भिन्न भिन्न जिक्र होता है, लेकिन यहाँ ये सत्य है कि उसने अपने भाइयों से विरोध करके या अपनी योग्यता सिद्ध करके उसने उत्तराधिकार प्राप्त किया है। अभिलेखों के अनुसार अशोक का राज्याभिषेक 267 ईसा पूर्व में बताया गया है। इसका मतलब है कि इतना लंबा संघर्ष जो है चलने के पश्चात उसने 267 ईसा पूर्व में उसने क्या किया था, अपना राज्याभिषेक विधिवत ढंग से करवा लिया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि इस समय इसका अशोक जो आएगा, उस अशोक का लालन पालन और शिक्षा दीक्षा भी जो है कुछ समय के लिए जो है चाणक्य के द्वारा हुई थी, और इसकी जो माँ थी एक ब्राह्मणी थी, इसके कारण संस्कार इनका पालन पोषण उचित रंग ढंग से होने के कारण आगे चलकर ये अशोक मौर्य विश्व का महान शासक बनता है, बौद्ध धर्म को जो है पूरे विश्व में फैलाने का प्रयास करता है। इस प्रकार जो है दोस्तों आज की छोटी सी कक्षा में हमने देखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम समय कैसे बीता और उसका उत्तराधिकारी जो था बिंदुसार उसने अपने जीवन को कैसे बिताया वो देखते हैं अगली श्रृंखला में। मैं शीघ्र बड़ी क्लासें करने जा रहा हूँ, अब देखेंगे अशोक मौर्य को। तो दोस्तों अगली क्लास के लिए इंतजार करिए, इस कड़ी को एक दो बार आप रिवीजन करके देखें, आपके मोटे मोटे जो प्रश्न आने वाली संभावना थी मैंने पूरी आपको बताई है, यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन बन सकेंगे। अब मैं अशोक मौर्य को लेके आऊंगा अगली क्लास के लिए, तब तक पढ़ते रहे, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू दोस्तों।